Hello and welcome back to the channel, everyone. I hope you all are doing extremely well. My name is Mohit, and if you are not subscribed to my channel yet, make sure you do subscribe. और आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं तानी जुबर लेक, जो कि नारकंडा से अराउंड 10-12 किलोमीटर दूर है. और ये जो लेक होती है ये पूरी तरह से फ्रोजन होती है विंटर्स में, तो ये देखने लायक जगह है. और फ्रोजन से याद आया, आप ये देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी का जो है वो फ्रंट शीशा है, और ये पूरा भी इसमें जो है वो आइस जम चुकी है. ऊपर से नीचे तक जो पूरा शीशा है वो जमा हुआ है. और आजकल जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन हो रहा है, क्योंकि बर्फबारी होने रही है. और प्रेडिक्शन है पर फिर भी बर्फ नहीं पड़ रही है, और उसी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, और उसी वजह से जो ये चीज़ें हो रही है. तो ये सो फार सो गुड. ये देखिए आप किस तरह से जो वो धीरे धीरे जो है पिघलने लग चुका है ये, और पूरा आइस जम चुका था पूरे शीशे में. इसको थोड़ी देर धूप में खड़ा किया तब जाके ये देखिए ये सारा सारा पूरा जमा हुआ था. अभी स्नो है, अगर आप देख सकते हैं तो यस ऐसा हो जाता है यहाँ पे. और सुबह सुबह आपको मेरे घर से जो व्यू दिखता है वो भी मैं दिखा देता हूँ. तो ये पूरे पहाड़ है जो सामने दिखते हैं, और ये पूरी हाटू पीक है जो सामने दिख रही है. सो यस ऐसा ही है कुछ सीन अभी यहाँ का, और अब हम चलने वाले हैं तानी जुबर लेक के लिए. ओके, तानी जुबर के लिए जो हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में. और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा चला है आजकल, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसा कि रोड पे देखने को हमें मिल रहा है. इधर से भी ट्रैफिक है, उधर से भी ट्रैफिक है, हर जगह से ट्रैफिक है. और चले हम, लग जाएगा अराउंड 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक. और अभी स्नोफॉल जो है वो बिल्कुल स्नो देखने को नहीं मिली है कहीं पर भी. थोड़ी थोड़ी जगह हुई जो हाइट वाली जगह होगी वहाँ पर ही जो है वो स्नो देखने को मिलेगी. और यही है अभी कुछ सीन चला हुआ है यहाँ पे. ये रोड है तानी जुबर का. सो यहाँ से जो है वो हाटू के लिए रास्ता जाता है, और यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए आप, कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जो है वो खड़ी है. और मतलब जगह ही नहीं है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की. जहाँ पे दिख रहे हैं आपको वहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल हावी है इस टाइम पे. और ये जो जगह है यहीं से जो है वो हमारा हाटू के लिए रास्ता जाता है. टूरिस्ट है वो हाटू पीक जाने के लिए यहाँ पर रुका है. ट्रैफिक चुका हूँ अभी बतनाल के नाले में, और सनराइज अभी जस्ट हो ही रहा है, दिख रहा है मेरे पीछे. और ये आपको पीछे जो दिख रही है ये पूरी स्नो है यहाँ पे. और अभी पूरे नारकंडा में सबसे ज़्यादा स्नो अभी जब जहाँ पे होती है वो इसी जगह पे होती है. और ये एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट भी होता है, अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है. और ये आप मेरे साथ देख सकते हैं,
काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है और ये पूरे इसमें एरिया में ये बर्फ़ होती है। तो यस, और ये व्यू है कुछ जो यहाँ से दिखता है पूरा, और ये हमारी गाड़ी। चलिए चलते हैं, हम अपनी कंटिन्यू करते हैं जर्नी। टाइम से वापस आएंगे। वाइल्डनेस का बोर्ड हमें दिखेगा और यहाँ से हमें घूमना है राइट। ये जो आपको राइट वाला रोड दिख रहा है, इसमें हमें ऊपर जाना है और यहाँ पे हमें हमारी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। हम पहुंच चुके हैं तानी गढ़, और आपको दिखाते हैं अब कैसी दिखती है ये लेक। तो दिस इज द लेक। तानी जुबल लेक बहुत ही खूबसूरत दिखती है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है इस जगह का। थोड़ी हवा चल रही है, शायद माइक पे आवाज़ आ रही होगी। और लेक आप देखो यार। से दूर आप जाना चाहते हैं, नारकंडा के पास कोई जगह देख रहे हैं, तो ये बेस्ट जगह है आने के लिए। और यहाँ पे एक इको टूरिज्म पार्क है जो कि आपको इन जंगल के बीच में से रास्ता जाके मिलेगा, और वहाँ पे आपको बैठने के लिए बेंचेस है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पे लेक के पास भी आप कहीं भी बैठ सकते हैं, उस टेम्पल के पास बैठ सकते हैं आप, जो मेरे पीछे भी आपको शायद दिख रहा होगा, और इन्जॉय कर सकते हैं, अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो होटल है द वाइल्डनेस रिजॉर्ट, यहाँ पे गाड़ी जाती है ऊपर तक, तो आप गाड़ी यहाँ पे ले जा सकते हैं आराम से। यहाँ पे भीड़ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और चारों तरफ जो है वो आपको एप्पल ऑर्चर्ड दिखेंगे, सेब के बगीचे दिखेंगे, और ये सेब के लिए बहुत अच्छी बेल्ट है ये जो है कोलबर्ड वैली वाली। तो यस, और यही थी ये लेक। इसके बाद इको टूरिज़म पार्क जाके कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मर्ज़ी देखो वो पार्क जैसा ही दिखता है। और ये यहाँ पे एक घर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे घर है यार, ये टेम्पल या लेक। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो सेब के बगीचे, यहाँ लेक के चारों तरफ जो आपको सेब के बगीचे देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, ये जो सारे हैं वो सेब के बगीचे हैं, जितना भी आपको दिख रहा है चारों तरफ पूरे सेब के बगीचे देखने को मिलते हैं। सो ये थी हमारी लेक, और इसके बाद अब चलते हैं वापस। और आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी अभी तक जो भी बनी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। दिस इज मोहित कंवर साइनिंग ऑफ।